तो एक बार जो है आप बताएंगे आपके साथ क्या हुआ दोबारा से, सारा इशू जो है लोगों को कि आपको हॉस्पिटल में आपके साथ क्या हुआ, आपको डिस्चार्ज किया गया, अभी आपका जो है प्रॉपर इलाज भी नहीं हुआ था, लोगों ने आपको यहाँ पे डिस्चार्ज करके डॉक्टर ने छोड़ दिया, और आपके कितने पैसे निकाल लिए लोग डॉक्टरों ने। मुझे सांस की तकलीफ हो रही थी हाँ जी, और ये एक तरफ सीने में दर्द हो रहा था क्योंकि वो निमोनिया हो रहा था। हाँ जी। और यहाँ ऊपर दर्द हो रहा था। अच्छा, पेट के पास। हाँ हाँ जी। तो मैं एडमिट होने चली गई हॉस्पिटल। हाँ, यहाँ मान में रही पहले। अच्छा, एडमिट, लेकिन मान नहीं देख पाए इतना। अच्छा, नहीं कर पाए। हाँ, हम वहाँ चले गए। उसने शुरू से ही ये कहा, मैंने कहा इतनी मैं बीमारी हूँ कि आईसीयू की ज़रूरत है। अच्छा, एससीयू एक उससे छोटा होता है। हाँ जी, एससीयू बिल्कुल। मैंने कहा उसमें कर लो एडमिट। हाँ जी, मेरे भी पैसे कम लगेंगे और इलाज भी हो जाएगा। नहीं माना, लेकिन चलो हमने सोच दिया, डॉक्टर ने ज़रूरत समझी होगी ज़्यादा। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन उसने पूरे 20 दिन हाँ जी वो एक यहाँ ट्यूब डाल के, हाँ जी, और लिटा दिया मुझे। 20 दिन तक ट्यूब डाल के लिटा दिया हॉस्पिटल। हाँ, में उसमें से आज 5 बूंद निकली। मैंने कहा डॉक्टर साहब 5-5 बूंद निकाल रहे हो आप, इससे तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। हाँ जी बिल्कुल। इतना इतना तो ज़िंदगी है ना, इतना पैसा है। बिल्कुल। बस डॉक्टरों को तो लगता कि हमें मतलब 20 दिन आपका इलाज करने बाद बिना ठीक किए इन्होंने आपको आपके घर पे छोड़ दिया। और फिर किसी ने बताया होगा कि बिल ज़्यादा हो रहा। हाँ जी, मुझे ऐसा लगता है। हाँ जी। तो इन्होंने हमें उसी दिन डिस्चार्ज करने की बोले, बुला लो आज किसी को, हम आपका डिस्चार्ज कर देंगे। आज डिस्चार्ज कर देंगे। मैंने कहा आज कैसे, एकदम कैसे डिसीजन? हाँ, 20 दिन बाद। बोले एकदम आज, अभी तो मैं ठीक भी नहीं हुआ। हाँ जी बिल्कुल। अभी कैसे नहीं कर देंगे, कर देंगे हम तो। मैंने कहा हमारे साथ वाले भी नहीं है अभी यहाँ पे। हाँ जी, वो बाहर जा रहे हैं, तो हम पैसे मंगवाते उनसे, मुझे उनके ऊपर विश्वास है, उनसे पैसे मंगवाते, यही मेरी प्लानिंग थी। हाँ जी। पर 1-2 दिन पहले तो ये हमेशा बताते हैं कि डिस्चार्ज कर रहे हैं। हाँ, डिस्चार्ज कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। इन्होंने सेम डे कह दिया आज जाओ यार, डिस्चार्ज तो कर कितने रहे बजे रात को बोला था डिस्चार्ज कर रहे हैं? रात में नहीं बोला। अच्छा, बोला तो दिन में बोला। लेकिन हमारे पास, आपको पता है मेरे साथ कोई नहीं रहता, कोई नहीं रहता घर में बिल्कुल। हाँ जी, कोई ऐसा विश्वास नहीं चाहिए। हाँ जी, जिससे हम पैसे लेके दे मंगवा सके, लेके दे सके। बिल्कुल। वो बाहर जा रहे थे। हाँ जी, एकदम 2.5 लाख रुपए कॉल लाके दे देता अपने घर से। बिल्कुल जी, 1.5 लाख बहुत बड़ा अमाउंट होता है। बिल्कुल। हाँ, तो वो नहीं, और रोज धमका रहे। उसके बाद 1.5 दिन शायद हम गए, रोज धमका रहे, बुलाओ किसी को, बुलाओ, कभी डॉक्टर नहीं आए वो धमकाए, नर्स आए वो धमकाए, मतलब तो सारे डॉक्टर भी धमका रहे, नर्स भी धमका रहे। हाँ, नर्स से जो इंचार्ज उनकी, हाँ जो इंचार्ज है उनका। ओके, नहीं, नर्स भी आके बोलती है, बुलाओ किसी को, साथ वाले को बुलाओ किसी को, कोई सपोर्ट, घर में कौन है। मैंने कहा तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पैसे से मतलब, पैसे इलाज से मतलब है बिल्कुल। एकदम से तुमने क्यों डिसीजन ले लिया? हाँ जी,
वो डिस्चार्ज करने का एक दो दिन पहले बताओ। और हम वैसे ही पहले भी ऐसे ही करते थे। अच्छा, जब वो बता दें। हाँ जी, पैसे मंगा देते थे और इलाज हो जाता सही से। बट इस बार आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ। बहुत, रात को लूटपाट भी हुई आपके साथ, जो एम्बुलेंस लेके आया रात के 12-1 के बीच में। हाँ, पैसे 2.5 लाख रुपए। और क्या क्या किया उन्होंने आपके साथ, जो नर्स आया आपको रात को लेके यहाँ पे? एम्बुलेंस का बिल भी नहीं देख के गए। अच्छा, एम्बुलेंस का बिल भी नहीं दिया आपको और वैसे ही चले गए। आपके 2.5 लाख रुपए आपके तिजोरी से निकाल के, क्योंकि चाबी उनके पास था, चाबी उनके पास थी, और वो निकाल के अपने आप यहाँ से लेके चले गए। हाँ, सारा कुछ। ओके, सो गाइज, ये प्रॉब्लम आपने सुना इनसे, और आप जैसा देख सकते हैं अभी भी इनके पर जो है चेस्ट में यहाँ लगा हुआ है जो स्टिकर है, उसके बाद यहाँ पे इनका जो है पानी चढ़ा हुआ है, और अभी भी ये स्वस्थ नहीं है प्रॉपर तरीके से। तो मैं चाहता हूँ आप इस चीज़ को हेल्प करें, इनकी जो है मदद करें। अगर सर से पूछे, सर ये एरिया कौन सा है जहाँ पे ये रहती है? ये सुपरा चौक के पास एरिया लगता है। ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, जगह कौन सा है? रोहतक डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में पड़ता है जी। हाँ जी, रोहतक के अंदर सुपरा चौक है। हाँ जी, सुपरा चौक जी, जो मेन दिल्ली हिसार रोड पे पड़ता है। ओके, हाँ, और ये रामनगर है। रामनगर जी। ओके, छोटू रामनगर जी। तो साथ में बिल्कुल ये हमारा पुलिस लाइन के क्वार्टर भी हैं। अच्छा, साथ में बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है, रात को इंसिडेंट हुआ, हमसे रहा नहीं गया। हाँ जी, तो मैं रात को सो भी नहीं पाया। अच्छा, बिल्कुल पड़ोस में थे तो हमने 100 नंबर पे फोन भी किया। हाँ जी, इनकी जानकारी भी दी, इतला दी। बिल्कुल, उनको कोशिश भी किया हमने रोकने का, जो 2.5 लाख रुपए या हमने देखे जब वो पहले निकाल चुके थे जब मैं अंदर आया। आपने भी देखा उस चीज को? मैंने देखा, 2.5 लाख रुपए साइड में रखे हुए थे, उनको मैंने अपोज किया। हाँ जी, ये भी क्यों ले रहे हो? उन्होंने बोला कि बिल है हमारा। अच्छा, तो मैंने इनसे पूछा कि माता जी आप बताओ, आप दे रहे हो क्या इनको पैसे? इन्होंने बताया कि मेरे को लूट लिया। हाँ, और इससे अलमारी से अपने आप पैसे निकाल के इन्होंने लिए हैं। अच्छा, जो नर्स थे अपने आप ही ले लिए? अपने आप ही, वो कम से कम 5-6 बंदे थे। 5-6 बंदे थे जो आए थे, पूरी तैयारी के साथ आए थे। एक ने मेरे को साइड में किया, बाहर बातचीत में लगाया, और दूसरों ने वो धीरे धीरे अपने पैसे करके और गाड़ी साइड पर बाहर मेन रोड पे लगा ली। ओके, हाँ, मैं उसको बोलता रहा क्योंकि मैं रात को अकेला था। हाँ जी, हाँ जी, तो मैं भी कुछ नहीं कर पाया। नहीं कर सकते, 5-6 लोग। हाँ, तो वो धीरे धीरे करके वो निकल गए। अच्छा, उसका नंबर मेरे पास है, जो अपने आप को इंचार्ज बता रहा था। धर्मवीर नाम है। हाँ, धर्मवीर नाम है वो, मैंने उसका नंबर ले लिया था बाहर बात करते करते। हाँ जी, हाँ, तो जब वो जा लिए, कुछ नहीं, मेरी भी नहीं उन्होंने सुनी, ना माता जी की सुनी उन्होंने। हाँ जी, इसके बाद फिर मैंने 100 नंबर पे इतला दे दी। ओके, हाँ, वो आए यहाँ पे, मैंने उनको बताया, दिखाया, उसके बाद उनके साथ थाने भी गया, वहाँ भी इतला दी। हाँ जी, ठीक है, तो हमारा फर्ज था जो हमने किया। आपने किया एज अ पड़ोसी होने के, साइड में होने के। ये आप सब लोगों से, भाइयों से ये दरखास्त करता हूँ कि ऐसे इंसानियत को मरने मत दो और इंसानियत को उजागर करो। उजागर, और ऐसी प्रॉब्लम जो हो रही है। हाँ, उनको दिखाओ, लोगों को पता तो चले कि हो क्या रहा समाज में, गलत कौन है, वो आप डिसीजन लो। बिल्कुल, ठीक है, पुलिस ने भी आश्वासन दिया है, वो अच्छा करेंगे, रात को भी कहते ही वो आए। हाँ, तो अब देखो कार्रवाई क्या होती है। कार्रवाई क्या होता है जी? तो ये आज रात के ही इंसिडेंस है। आज रात की ही इंसिडेंस है। बिल्कुल, सो गाइस, आप देख पा रहे होंगे अभी इनका जो है मेदांता का भी ड्रेस है, और फाइनली ये जो पूरा का पूरा कागज़ है मेदांता का, जिसपे 6,37,000 का जो है इनका फाइनली बिल बनाया हुआ, उसके बाद भी जो है नर्स स्टाफ आके यहाँ पे इनको लूट के जाते हैं, जो इनके 2.5 लाख रुपए घर में इनके बिना परमिशन के लेके जाते हैं। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच इस इंसाफ के लिए। आप सभी को जो है इसमें सपोर्ट ज़रूरी है कि आप इसे सपोर्ट करें।